माधुरी दीक्षित थी, उन्होंने कॉल किया नहीं, उन्होंने नहीं किया था। डांस दीवाने में जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने मुझे बुलाया था उस प्रोग्राम में, और उनके हाथों से दिलवाया था, था। ओके तो ओके उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया था, उनके हाथों से दिलवाया गया था। सोनू सूद ने नहीं, उनसे कोई भी नहीं, सोनू सूद जी से कुछ भी नहीं, कोई ओके ओके कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। कोई कांटेक्ट, लेकिन आपने की थी कोशिश? नहीं नहीं नहीं, आई हैव नेवर वर्क विथ हिम, आई डोंट नो हिम। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। खबर ये सब जो लोगों ने, खबर छपने के बाद अशोक पंडित जी और जॉनी लिवर भाई, ये दो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की मुझ पर। दो जैसे मेरे भाई, मेरे दो एंजल्स खड़े हो गए थे कि नहीं क्या हेल्प चाहिए, किसी से बात करनी, कुछ करनी, बोले वो सब हम कर लेंगे, बाकी तू टेंशन मत ले। सो ये दो लोगों को मैं बहुत बहुत दुआएं देती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, अशोक पंडित जी एंड जॉन लिवर भाई। मैम, आपके परिवार के बारे में मैं समझना चाहता हूँ, और कहाँ रहती हैं आप, लोकेशन यही अंधेरी में? जी 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 मैं गोरेगांव लिंक रोड पर रहती हूँ, और फैमिली में फ़िलहाल मम्मी हैं, डैडी का इंतकाल हो गया है, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया है, और बाकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, कज़न्स वगैरह हैं, लेकिन साथ में नहीं रहते, इमीडिएट में मतलब मम्मी हैं, मेरी भतीजी मेरे साथ रहती हैं जो मेरी बिल्कुल बेटी जैसी ही है, तो वो बच्ची मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मैं हूँ, बाकी और फैमिली है। गलत है विकिपीडिया में, और एक कोई यूट्यूबर है, कोई बेवकूफ़ उल्लू का पट्टा, उसने लिख दिया कि अरे शुजात अली नाम है उनका और दो जवान बच्चे हैं उनके। मैं कहा गधे, मेरे मियाँ को और मेरे बच्चे को दोनों को लेकर आ तू घर पे, तो मैं पूछूँ कि भाई ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये मदद नहीं कर रहे तो तू क्यों नहीं कर रहा मेरी मदद, है कि नहीं? अच्छा देखिए, 30 साल हो गए आपको काम करते, लेकिन पहली बात ये कि आमतौर पर मतलब 30 साल पहले जब आपने करियर शुरू, मैंने 36 साल पहले काम शुरू किया, 3 दशक पूरे कर चुकी हैं, साढ़े तीन दशक साढ़े तीन दशक काम कर चुकी हैं, चौथा दशक खत्म हो जाएगा 4 साल इंशाल्लाह। और उस ज़माने में खूब रिश्ते आते रहे होंगे आपको, माँ भी कहती होगी भाई निकाह कर लो, क्यों कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि निकाह नहीं? नहीं, मेरी शादी हो चुकी होती, मैं एक रिलेशनशिप में थी जब मैं ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी थी, मैं तभी मैं उस रिलेशनशिप में थी, और बहुत करीब थे हम दोनों, लेकिन उनका 8-9 साल पहले इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो शादी मुझे उन्हीं से करनी थी, और जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते कि हाँ भाई इस साल कर लेंगे, तो कभी मैं बिज़ी हो जाती, वो लंदन के थे तो कभी वो बिज़ी हो जाते, कभी उनका एक्सीडेंट हो गया एक दो मर्तबा जब आने वाले थे बॉम्बे, तो उस वजह से नहीं हो पाई, तो ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए, और जब फाइनली हमने ये सोचा कि अब कर लेंगे, तो उसी साल 31 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई थी। कौन से साल की बात है? 8 ईयर्स बैक, 8-9 ईयर्स बैक, हाँ जी, सॉरी 2011, 2011, 10 साल हो गए, सॉरी।